सारी हाई मैं लुटके में बर्बाद हो गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मुझे जस्टिस नहीं मिला, चाहे समाज में हो चाहे कोर्ट से हो। सक्सेसफुल महिला होती है ना, उस प्रकार से रो धो नहीं सकती जो एक अबला नारी रो सकती है। ऐसे रो धो के जस्टिस मिलना वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे सपोर्ट कम मिला है, पीछे ढकेला ज्यादा किया है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ी। पुलिस भी उसकी सुनवाई जल्दी करती है और मुझे देख के उन लोगों को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती शायद कि मुझे, मेरे फील्ड में भी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। स्टूडेंट तो बिल्कुल एकदम बहुत प्यार करते हैं उससे, क्योंकि मैं और वो, हम दोनों के बीच में एक अलग सा बॉन्डिंग होता है। तो मैं सभी पुरुष की बात नहीं करूँगी बेटा, पसंद नहीं करते लोग। एक सक्सेसफुल महिला को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता है समाज में। आपका एजुकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एजुकेशन के बल पर फिर आप फिर से खड़े हो सकते हो पैरों में और आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। कि मुझे जितना पीछे खींचा जाता है ना, उतना शायद अगर मैं मर्द होती तो मुझे उतना पीछे नहीं खींचा जाता। अगर ये बात मैं कहूँगी ना तो कुछ लोग कहेंगे मैम है ना अब विक्टिम कार्ड खेल रही है और महिला कार्ड खेल रही है, तो थोड़ा सा मेरे दिल का भी भड़ास निकल गया। एक होता है आपको जस्टिस मिलना और एक होता है अपना स्थान जबरदस्ती बनाना। बेटा मुझे जस्टिस नहीं मिला, मैंने अपना स्थान जबरदस्ती बनाया। बच्चों ने देखा कि हाँ मैं मेहनत करती हूँ, करती थी, कर रही हूँ, तो वो लोग मेरा पूरा जम के सपोर्ट किए। बेटा मुझे कहीं से भी रत्ती भर हेल्प नहीं मिला। मतलब जो सही है, जो दिखता है सबको नजर में, वो तक मुझे मेरे साथ नहीं हुआ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। मैं नहीं रोती, किसके सामने रोगे? तब रोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे कभी भी पब्लिकली आप रोते हुए नहीं देख सकते। कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ आपके दुख को देखकर, तब मेरे आंखें भर आएगी। मैं अपना दुख लेके आप नहीं देखोगे नीतू सिंह ने कहीं भी रोया है। यार यूट्यूब में तो पता नहीं बड़े बड़े चैनल के जो मालिक है वो भी बुक्का फाड़ फाड़ के रोते हुए दिखे हैं मुझे। तो चैनल हैक हो गया तो रो रहे हैं, कोई टीचर भाग गया तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आंखें भर आ रही है। अरे यार ये सब इमोशनल ड्रामा, फिल्म एक्टर बन जाओ। अपने दुख को लेकर आपके आगे कभी आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्ट्रांग रहूंगी तभी तो मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगी। अब मैं खुद ही रोती रहूं, अरे हाई मैं लुटके में बर्बाद हो गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। आपका दर्द रूम के अंदर बंद करके रो लो, जितना रोना है रो लो, बाहर कभी भी मत रो, क्योंकि आपका आंसू बताता है कि आप कमजोर हो जाते हो। कंधा आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो आपका अपना है। हो सकता है कुछ लोग आपके उसी आंसू को देखने के लिए वेट कर रहे हो। भैया मेरे दुश्मन भी सोचते होंगे उसको किस बात का इतना खुशी है जो हमेशा हंसते रहती, मुस्कुराते रहती। मेरा दर्द मेरा है, मैं अपने रूम तक सिमट के रखती हूँ, बाहर कोई मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। या बड़े बड़े चैनल्स में देखते हैं यार फबक फबक के रो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैडम सर मैं आपके साथ हूँ, आप ऐसे मत रोइए, मेरे दिल को दुख। अरे गधो, वो तुमको दिखाने के लिए रो रहे हैं ताकि तुम सिंपैथी में उनका चैनल लाइक करो, शेयर करो और उसके जो है वीडियो उसको सब्सक्राइब करो और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और उनका बैच कोर्स और सब परचेज करो। मैडम मैंने तो अपना है ना पैसा जो गुल्लक था उसको तोड़ के मैंने उनका कोर्स खरीदा। मैंने कहा गधे तुम गधे बन गए। यूट्यूब में 90% जो आज पढ़ा रहे हैं बेटा वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, पढ़ाने में उनके पास 10% ही कॉन्टेंट्स है। हम ऑफलाइन वाले हम लोग इतना सिंसियरली पढ़ाते हैं ना, मैडम आप यूट्यूब में भी इतना सिंसियरली क्यों पढ़ाते हो? मैंने कहा यार पढ़ाने आई हूँ ना। तो नहीं मैडम पढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा आपको भी एक्टिंग कर। मैंने कहा मैं भैया एक्टिंग नहीं कर सकती, जो दिल में है वो निकल जाएगा जुबान से, और दिल में नहीं है तो तुम जितना भी यहाँ पर मुझे वो क्या कहते हैं उसको स्क्रिप्ट राइट करके देते रहो मैं नहीं बोल पाऊंगी। कारण क्या है? मैं दिल से बोलती हूँ, जुबान से पढ़ाना है मुझे, मैं सिंसियरली पढ़ाऊंगी। भी किसी के आगे मत रोना, आपके माँ बाप और शादी के पहले पहले तक आपके भाई, बस इनके सामने रोना, बाहर किसी के सामने मत रोना, क्योंकि वो पता लगा लेता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, ठीक है? और फिर वो वहीं वार करेगा जहां से आप कमजोर। मैं आपको लाइफ की टीचिंग दे रही हूँ, याद रखना। ये भी कह सकते हो कि मैंने एक चीज मार्क किया बेटा, मुझे जस्टिस नहीं मिला, चाहे समाज में हो चाहे कोर्ट से हो। शायद एक जो सक्सेसफुल महिला होती है ना वो उस प्रकार से रो धो नहीं सकती जो एक अबला नारी रो सकती है, और ऐसे रो धो के जस्टिस मिलना
वो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने एक चीज मार्क किया है कि मुझे सपोर्ट कम मिला है, पीछे ढकेला ज्यादा किया है, और इसलिए भी मुझे थोड़ा जस्टिस नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। वरना मैंने देखा है बहुत सारे दीनहीन महिलाएं रोती गाती फिरती, उनको बहुत जल्दी लोगों के द्वारा भी सपोर्ट मिलता है और पुलिस भी उसकी सुनवाई जल्दी करती है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं वो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। और मुझे देख के उन लोग को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती शायद। इसीलिए मैंने एक चीज मार्क किया है कि मुझे मेरे फील्ड में भी लोग पसंद नहीं करते, ठीक है ना। स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं, स्टूडेंट तो बिल्कुल एकदम बहुत प्यार करते हैं मुझसे क्योंकि मैं और वो, हम दोनों के बीच में एक अलग सा बॉन्डिंग होता है। लेकिन शायद जो कह रहे हो ना सही है, जो एक एस्पिरेंट ने कहा है ना, महिलाओं की उन्नति पुरुष समाज को चुभती है। तो मैं सभी पुरुष की बात नहीं करूंगी बेटा, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि शायद पसंद नहीं करते लोग। एक सक्सेसफुल महिला को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता है समाज में, हालांकि वेलकम करना चाहिए क्योंकि हम लोग जैसे लोग ही है जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा देते हैं कि हाँ चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए आपका एजुकेशन बहुत मायने रखता है क्योंकि एजुकेशन के बल पर फिर आप फिर से खड़ी हो सकते हो पैरों में और आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। आप किसी पर बोझ भी नहीं रहते हो और अपने आप को बहुत अच्छे से समाज के लिए एक उपयोगी जीवन साबित कर सकते हो। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मुझे जितना पीछे खींचा जाता है ना, उतना शायद अगर मैं मर्द होती तो मुझे उतना पीछे नहीं खींचा जाता। लेकिन कई बार मैं ये बात नहीं बोलती हूँ जनरली। अभी तुमने वो एन एस्पिरेंट करके जिसका अकाउंट है, आपने ये बात उठा दिया तो मैंने कह दिया, क्योंकि जानते हो अगर ये बात मैं कहूँगी ना तो कुछ लोग कहेंगे मैम है ना अब विक्टिम कार्ड खेल रही है और महिला कार्ड खेल रही है, तो मैं ये कार्ड खेलना नहीं चाहती। लेकिन जो आपने कहा तो थोड़ा सा मेरे दिल का भी भड़ास निकल गया। बात सही कह रहे हो। एक होता है आपको जस्टिस मिलना और एक होता है अपना स्थान जबरदस्ती बनाना। बेटा मुझे जस्टिस नहीं मिला, मैंने अपना स्थान जबरदस्ती बनाया। हाँ इसमें आपने मेरा पूरा सहयोग किया, बच्चों ने देखा कि हाँ मैं मेहनत करती हूँ, करती थी, कर रही हूँ, तो वो लोग मेरा पूरा जम के सपोर्ट किए। इस बेसिस पे मैंने अपना स्थान बना लिया। लेकिन अगर कहोगे कि नहीं आपको यहाँ से हेल्प मिला, आपको वहां से हेल्प मिला, बेटा मुझे कहीं से भी रत्ती भर हेल्प नहीं मिला। मतलब जो सही है, जो दिखता है सबको नजर में, वो तक मुझे मेरे साथ नहीं हुआ, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए था। जो कहते ना ऑब्वियसली, इतना तो आपका होना ही चाहिए था, वो भी नहीं मिला। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। कहीं भी मैं जाती हूँ बेटा मैं नहीं रोती, क्योंकि कहते हैं ना किसके सामने रोओगे। जहां पे कहते हैं जब आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं होता ना बेटा तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तो इसीलिए जब दिल से दिल का तार नहीं जुड़ा हो तो यहाँ सिग्नल नहीं है तो आप रोओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे कभी भी पब्लिकली आप रोते हुए नहीं देख सकते हो, ठीक है। हाँ कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ आपके दुख को देखकर, तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी, तब मेरे आंखें भर आएगी। लेकिन कभी भी मैं अपना दुख लेके आपको कभी भी किसी भी जगह पे आप देख लो, आप नहीं देखोगे नीतू सिंह ने कहीं भी रोया है कहीं भी। वरना मैं देखती हूँ यार यूट्यूब में तो पता नहीं बड़े बड़े चैनल के जो मालिक है वो भी बुक्का फाड़ फाड़ के रोते हुए दिखे हैं मुझे तो। और छोटी छोटी बातों पे, चैनल हैक हो गया तो रो रहे हैं, कोई टीचर भाग गया तो रो रहे हैं, ठीक है ना, किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आंखें भर आ रही है। अरे यार ये सब इमोशनल ड्रामा, या तो फिल्म एक्टर बन जाओ। मैं कभी भी अपने दुख को लेकर आपके आगे कभी आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्ट्रांग रहूंगी तभी तो मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगी। अब मैं खुद ही रोती रहूं, अरे हाय मैं लुट के मैं बर्बाद हो गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, आप कहोगे यार इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसा प्रॉब्लम आता है, और फिर आप अपने प्रॉब्लम को लेके वैसे ही किसी और के सामने रोओगे। बेटा आपका दर्द रूम के अंदर बंद करके रो लो, अच्छे से रो लो, है ना, जितना रोना है रो लो दरवाजा बंद करके। फिर क्या करो, चेहरा धो, अच्छे से चेहरे पे पाउडर लगाओ,
लड़कियों को कहूंगी अच्छे से चेहरे पे पाउडर लगाओ, थोड़ा लिपस्टिक लगाओ, स्टाइल मारो और बाहर निकलाओ। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, बाहर कभी भी मत रो, क्योंकि आपका आंसू बताता है कि आप कमजोर हो जाते हो। हाँ, प्यार है जिससे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ गले मिलके कभी कोई प्रॉब्लम है तो रो लो, है ना। वो कंधा आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो आपका अपना है, बाहर नहीं, पब्लिकली नहीं। हो सकता है कुछ लोग आपके उसी आंसू को देखने के लिए वेट कर रहे हो। मैंने तो यही कहा था एक बार कि भैया मेरे दुश्मन भी सोचते होंगे इसको किस बात का इतना खुशी है जो हमेशा हंसते रहती, मुस्कुराते रहती है, है ना। मेरा दर्द मेरा है, मैं अपने रूम तक सिमट कर रखती हूँ, बाहर कोई मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। या बड़े बड़े चैनल्स में देखते हैं यार, फपक फपक के रो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैडम सर मैं आपके साथ हूँ, आप ऐसे मत रोइए, मेरे दिल को दुख। अरे गधो, वो तुमको दिखाने के लिए रो रहे हैं ताकि तुम सिंपैथी में उनका चैनल लाइक करो, शेयर करो और उसके जो है वीडियो उसको सब्सक्राइब करो और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और उनका बैच कोर्स और सब परचेज करो। वो इसलिए रोते हैं और तुम गधों की तरह हाँ सर बहुत दुख हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा क्लास का एक लड़का कहता है मैडम मैंने तो अपना है ना पैसा जो गुल्लक था उसको तोड़ के मैंने उनका कोर्स खरीदा। मैंने कहा गधे तुम गधे बन गए, हम लोग उसका खूब मजाक उड़ाए। क्योंकि बात क्या है ना, YouTube में 90% जो आज पढ़ा रहे हैं बेटा वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, पढ़ाने में उनके पास 10% ही कॉन्टेंट्स है। और हम ऑफलाइन वाले, हम लोग इतना सिंसियरली पढ़ाते हैं ना, कभी कभी मेरे स्टाफ कहते हैं मैडम आप यूट्यूब में भी इतना सिंसियरली क्यों पढ़ाते हो। मैंने कहा यार पढ़ाने आई हूँ ना। तो नहीं मैडम पढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा आपको भी एक्टिंग करना। मैंने कहा मैं भैया एक्टिंग नहीं कर सकती, ठीक है, जो दिल में है वो निकल जाएगा जुबान से, और दिल में नहीं है तो तुम जितना भी यहाँ पर मुझे वो क्या कहते हैं उसको स्क्रिप्ट राइट करके देते रहो मैं नहीं बोल पाऊंगी। कारण क्या है, मैं दिल से बोलती हूँ जुबान से नहीं। इसीलिए मेरे सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर रख भी दोगे ना तो बेटा मैं कहूँगी इसको साइड में करो, क्योंकि मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पाऊंगी जो आप टेलीप्रॉम्प्टर में किसी को, मेरे पास तो है भी नहीं। उनको अच्छे से पता है मेरे स्टाफ को टेलीप्रॉम्प्टर खरीद के ला दूँ ना तो वो कभी इस्तेमाल नहीं करेगी, पैसा भी जाएगा। नहीं बेटा मैं एक चीज़ जानती हूँ, पढ़ाना है मुझे मैं सिंसियरली पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ कभी भी मैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने रोऊंगी नहीं, कभी नहीं। और वो चीज आपको भी समझा रही हूं, कभी भी किसी के आगे मत रोना, आपके माँ बाप और शादी के पहले पहले तक आपके भाई, बस इनके सामने रोना, बाहर किसी के सामने मत रोना, क्योंकि वो पता लगा लेता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, ठीक है। और फिर वो वही वार करेगा जहां से आप कमजोर हो, वही वार करेगा। समझ में आ रहा है, मैं आपको लाइफ की टीचिंग दे रही हूं, याद रखना। चलो ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है, वर्ब को बैलेंस किया वर्ब से, और फॉर प्लस हिज प्लस नाउन एंड फॉर प्लस हिज प्लस नाउन, देखो बैलेंस हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश्ड है बेटा, ये नया बुक हमारा जो आया है इसमें ये कोड को स्कैन करके आप चाहो तो जस्ट 999 में आप पूरा वीडियो पढ़ सकते हो मुझसे।